नमस्कार विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर जिसकी हमने पूर्व में चर्चा की थी, हमारा पूरा पाठ्यक्रम तीन समाजों पर चर्चा के लिए। पहले हमने ग्रामीण समाज की चर्चा की, उसके बाद नगरी समाज की, और अब तीसरा समाज हमारे पास जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है जनजाति समाज, ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी हम सभी जानते हैं कि समाज का एक प्रमुख समाज है, जो समाज में जिसों की सभ्यता से थोड़ा अलग अपनी एक विशिष्ट दुनिया में रहता है प्रकृति के सामने। 5000 साल से भी पुराना हमारी ये सभ्यता हो चुकी मानव सभ्यता, इसमें धीरे 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 करके सतत डेवलपमेंट विकास होता जा रहा, उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। तो अलग अलग स्वरूप हमको देखने मिले मानव के, समाज हमारा विस्तृत होता गया, विकसित होता गया, सभ्यता बढ़ती गई, और उसी को आप देखेंगे अलग अलग समाज के हिसाब से समाजशास्त्रियों ने विवेचना की है। शुरुआती दौर जो है आदिम समाज प्रिमिटिव सोसाइटी कहलाता है, इसके बाद थोड़ा विकास जब हुआ आदिम अवस्था में, जिसको हम पाषाण युग और अधिकारी अवस्था के बाद वाला है, वो जनजाति समाज ट्राइबल सोसाइटी। इसी का और विकसित रूप है वो कृषक समाज। कृषक समाज के बाद थोड़ा और विकास हुआ, उसका सभ्यता बढ़ी, नियम कायदे कानून सामाजिक संस्कार आए, वो कहलाता है ग्रामीण समाज। इसी दौर में मनुष्य ने इतना विकास किया विज्ञान का कि उसने कृत्रिम शक्तियों का प्रयोग शुरू करा, उत्पादन किया, भाप का इंजन बनाया, बिजली का आविष्कार किया, और धीरे धीरे उत्पादन बृहद पैमाने पे मशीनों से होने लगा। ये कहलाता है आपका औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज के कारण गाँव से एक जहाँ पे स्थान विशेष पे उद्योग धंधे लगाए जाते थे, उद्योगों की स्थापना की जाती थी, वहाँ पे सारा अधोसंरचना की गई, फैक्ट्री की, आवागमन के साधन किए गए, ट्रांसपोर्टेशन के साधन के साथ साथ व्यापार वाणिज्य स्टोर गोदाम स्कूल कॉलेज मनोरंजन गृह बसाहट तैयार की गई। ये जो एक बसाहट एक प्लान वे में एक व्यवस्थित रूप से की गई, इसको कहते हैं नगरी समाज। और इसी का विकसित रूप जो है अब आ गया है आपका तकनीकी समाज। तो आज हम जो बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था की, सबसे पुरानी अवस्था जो है प्रारंभिक अवस्था वो है आदिम, लेकिन धीरे 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 व्यक्ति इससे अग्रसर होता चला गया, और कुछ लोग जो थे हमारे वो सामाजिक विकास की परंपरा में वो हमारे साथ नहीं चले। उन्होंने कहा हमारे लिए प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति हमारा सब कुछ है, जीवन दायिनी, हम वहीं रहेंगे। तो उनको कहा जाता है पिछड़ गए, पिछड़ नहीं गए, वो अपना एक जीवन यापन कर रहे हैं अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ, प्राकृतिक प्रकृति के साथ रहते हुए। इनको कहा जाता है ट्राइबल सोसाइटी, जनजाति समाज। तो समाजशास्त्र में शुरुआत बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1838 में शुरुआत हुई थी, और 1838 भारत में तो अभी 100 साल हुए हैं। तो यहाँ समाज का अध्ययन जो अगस्त स्वामी ने कहा था वैज्ञानिक रूप से करना है, तो उसके बाद धीरे 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 अध्ययन होता गया और अलग अलग प्रकार से विवेचना होने लगी। जॉनसन ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला है, वो तो समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान मानते हैं, अर्थात उनके उनके अनुसार से संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला शास्त्र समाजशास्त्र है। अब इसमें एक शाखा है जिसको जनजाति समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि स्पष्ट है इसमें दो शब्द हैं, एक जनजाति शब्द है और एक समाजशास्त्र। समाजशास्त्र हम सभी जानते हैं समाज में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला शास्त्र, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला था, समाज की व्यवस्था का अध्ययन करने वाला शास्त्र समाजशास्त्र कहलाता है। अब जनजाति जब आ जाता है, जनजाति से तात्पर्य एक विशेष प्रकार का विशिष्ट समाज, जिसे जो प्रकृति के सानिध्य में रहता है, जिसकी अपनी अलग संस्कृति होती है, जिसकी अपनी अलग पहचान होती है। रॉल्फ लिंटन कहते हैं सरलतम रूप में जनजाति एक ऐसा मानव समूह है जो एक विशेष भूभाग पर रहता है, जिसमें सांस्कृतिक समानता होती है, निरंतर संपर्क होता है, कुछ विशेष हितों के कारण सामुदायिक एकता की भावना होती है। इनका जीवन रीति रिवाज और व्यवहार के तौर तरीके आदिम अर्थात आदिमकालीन विशेषताओं से युक्त रहते हैं। मानवशास्त्री वेरियर एल्विन ने सभ्यता का सबसे मौलिक प्रतिनिधि मानते हुए इनके लिए आदिवासी एबोरिजिनल शब्द का प्रयोग किया था। अब अलग अलग कुछ इनको जनजाति कहते हैं, कुछ कुछ कहता है वन्य जाति कहते हैं, कोई आदिम समाज कहता है, कोई मानव
शास्त्री इसको उससे कहते हैं आपके क्या कहते हैं आपको आदिवासी के रूप में कहते हैं, वन्य जाति कहते हैं, अलग अलग प्रकार से, लेकिन हम इनको जनजाति समाज या ट्राइबल सोसाइटी के रूप में ही देखेंगे। इसकी अलग अलग पहचान, इनका अध्ययन जो है इसको इसके अंदर हम देखते हैं तो जनजाति समाज की हम परिस्थितियों उनकी समस्याओं का अध्ययन करते हैं। पहला ट्राइबल इकोलॉजी, जनजाति परिस्थिति की। जनजाति परिस्थिति की जब बात की जाती है तो वो परिस्थिति जिससे जनजाति समुदाय या समूह प्रभावित होता है, जिसमें का विकास क्षेत्र, इनकी प्रकृति, जंगल, पहाड़, वातावरण, ये सब सम्मिलित किया गया। दूसरा जनजाति सामाजिक संगठन, ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन जिसमें इनकी परिवार व्यवस्था, परिस्थिति, भूमिका के निर्धारक कारक, आधार, नातेदारी, गोत्र, वंश को सम्मिलित किया जाता है। ये जनजातियों के सामाजिक संगठन की प्रकृति इसमें आ जाती है। फिर विवाह, मैरिज, जनजाति समाज में भी विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है। इनके अलग अलग स्वरूप हैं, इनके अलग अलग प्रकार हैं, जीवन साथी चयन के इनके बहुत स्पेशल खास नमूने, खास नए नए प्रकार हैं जिनको हम उनके आधार पर जनजाति जीवन साथी चयन के आधार पर देखते हैं। अर्थव्यवस्था, इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सामूहिक होती है और प्रकृति पर आधारित है। ये उनके अलग अलग प्रकार के हैं, शिकार भी करते हैं, वनों पर संग्रहण करते हैं। अब समस्याएं, ट्राइबल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, विविध समस्याओं का सामना कर रहा है जनजाति समाज। निर्धनता, भूमि पृथक्करण, बेरोजगारी, गरीबी, ऋणग्रस्तता, सांस्कृतिक तनाव, संघर्ष, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कई समस्याओं से हमारा ट्राइबल सोसाइटी या जनजाति समाज घिरा हुआ है। अब जनजाति समाज को अंग्रेजी में भी कई प्रकार के नाम लिए गए हैं। ये एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान स्थापित है। गिरिजन, आदिवासी, पूर्व में मैंने कहा था कि गिरिजन कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, आदिस्वामी कहते हैं, प्राचीन जनजाति कहते हैं, पिछड़ी जाति कहते हैं। अंग्रेजी में भी इनके कई नाम हैं, ट्राइब, नेटिव, ये कई अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इनको चर्चा में ऐसे नाम रखे। अब जनजाति समाज का प्रयोग हमारे यहाँ काफ़ी समय से हो रहा है, इनको एक विशिष्ट पहचान रखता है। ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटेन के जितने मानव शास्त्री थे और प्रशासक थे, ब्रिटिश प्रशासक, इन्होंने का बहुत अध्ययन किया। इनके धार्मिक जाति समूह से पृथक रचने की दृष्टि से इनको एक सामाजिक अवधारणा विकसित हुई और बाद में हमारे यहाँ स्वतंत्रता ने भी कि संविधान द्वारा जनजातियों को एक अलग से पृथक करके सूचीबद्ध किया गया और सूचीबद्ध जनजातियाँ वर्तमान में शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के नाम से जानी जाती हैं। ये एक सामान्य मानव समाज का सामान्य विशिष्ट वर्ग है जो मानव सभ्यता का प्रारंभिक प्रतिनिधित्व करता है। इनको जनजाति भी कहते हैं और इनका अध्ययन मानव शास्त्री भी करते हैं, समाजशास्त्रियों के अलावा समाजशास्त्री करते हैं, उसके अलावा मानव शास्त्री करते हैं, जनसंख्याविद करते हैं, भूगोलवेत्ता करते हैं, प्रशासक करते हैं और सबने अपने अपने दृष्टिकोण से इनको परिभाषित किया। यूरोप के मानव शास्त्री संस्थान द्वारा एक किताब हुई है, नोट्स एंड क्वेरीज ऑन एंथ्रोपोलॉजी। इसके अनुसार जनजाति एक ऐसा मानव समुदाय है जो राजनीतिक या सामाजिकता के आधार पर स्वायत्त होता है और किसी एक भूभाग में निवास करता है या उस भूभाग का निवासी होने का दावा करता है। ए ट्राइब में बी डिफाइंड ऐसे पॉलिटिकली आर सोशली कोहेरेंट एंड ऑटोनोमस ग्रुप ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग आर क्लेमिंग ए पर्टिकुलर टेरिटरी। पडिंगटन कहते हैं, हम जनजातियों को व्यक्ति के एक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो एक समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में रहता हो और जिसकी संस्कृति में एक विशेष समरूपता रहती हो। वी मे डिफाइन ए ट्राइब एज ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पीकिंग ए कॉमन डायलैक्ट, इनहेबिटिंग ए कॉमन टेरिटरी एंड डिस्प्लेइंग ए सर्टेन होमोजेनिटी इन कल्चर। मर्डॉक कहते हैं, यह एक सामाजिक समूह है जिसकी एक अलग भाषा होती है और भिन्न संस्कृति और स्वतंत्र राजनीतिक संगठन। इट इज ए सोशल ग्रुप विच हैज इट्स ओन लैंग्वेज, ए डिफरेंट कल्चर एंड इन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये अलग अलग है परिभाषाएं दी गई और भी हैं कई परिभाषाएं, तो अध्ययन की दृष्टि से सामान्यतः हमको ये जानना चाहिए जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित भाषा, एक विशिष्ट संस्कृति और सामाजिक संगठन है। अब इनकी जो विशेषताएं देखिए, एक सामान भाषा, प्रत्येक जनजाति की अपनी एक सामान भाषा होती है, उसमें के माध्यम से वो आदान प्रदान करते हैं और कुछ ने अपनी लिपि को विकसित कर ही नहीं पाए, कुछ ने किए हैं
तो भाषा बोली के माध्यम से जनजाति संस्कृति का हस्तांतरण ट्रांसफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। इनका अपना एक नाम होता है, गौड़, बैगा, भील, सताल, भारिया, भोटिया, यह नाम होता है। निश्चित फिक्स्ड लैंग, हर जनजाति का अपना एक निश्चित भूभाग होता है जिससे उसकी पहचान है। जैसे अबुझमार माड़िया मुरिया जनजाति है, बैगाचक बैगा जनजाति के लिए, पातालकोट भारिया जनजाति के लिए, मंडला गौड़ के लिए, ये एक अलग अलग है। इनकी एक सामान्य संस्कृति होती है। हर जनजाति का अपनी कला, धर्म, रीति रिवाज, पहनावा, खान पान, रहन सहन होता है, एक सामान्य संस्कृति। परिवारों का एक समूह, ये प्रत्येक जनजाति एक समान प्रजाति तत्व, एक समान भाषा संस्कृति वाले परिवारों का समूह है। नातेदारी, इसमें नातेदारी किनशिप बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंध अपने नातेदारों के साथ ही रखते हैं, उसके बाहर नहीं रखते। इनमें वी फीलिंग होती है, हम की भावना, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस होती है, हम की भावना। राजनीतिक संगठन, इनका अपना एक राजनीतिक संगठन होता है और इनका मुखिया इसका सर्वोपरि होता है। कॉमन टैबू, सामान्य, हर जनजाति समाज में अपने सामान निषेध होते हैं जिसका पालन सभी को करना पड़ता है, इसलिए उनके खान पान, विवाह, परिवार में सब प्रतिबंधित होते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता, जनजाति समाज आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर है, ये स्वयं ही पूरा करते हैं अपनी आवश्यकताएं, वनोपज, शिकार, कृषि, ये इनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब डीएन मजूमदार ने जो इनकी विशेषताएं बताई हैं, वो कहते हैं जनजाति भारत में, जनजाति निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय समूह है, ये रीजनल ग्रुप है। जनजाति के सभी सदस्य एक दूसरे के नातेदार नहीं होते, लेकिन प्रत्येक भारतीय जनजाति के अंतर्गत नातेदारी एक सुदृढ़ सहचारी, नियामक और एकीकरण के सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। एक भारतीय जनजाति के सदस्य एक समान भाषा बोलते हैं। सामूहिक पैमाने पर अंतरजाति संघर्ष भारतीय जनजातियों के कारण नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनजाति राज्य सरकारों के नियंत्रण में है, लेकिन हर जनजाति अपना एक निज स्वायत्त राजनीतिक संगठन रखती है। प्रिंगटन ने कहा जनजाति समाज सरल सामाजिक संगठन में जीवन यापन करता है, ये निरक्षर समाज है, निम्न प्रौद्योगिकी स्तर होता है, नातेदारी संबंध यहाँ महत्वपूर्ण होता है, आर्थिक विशेषीकरण समका विशेषीकरण का अभाव, डिविजन ऑफ लेबर का अभाव है इनमें। अब इनको जो सूचीबद्ध किया गया है संविधान के अंतर्गत, तो वो अनुसूचित जनजातियां कराती हैं, शेड्यूल ट्राइब। अब अनुसूचित जनजाति, ये अभी हमने चर्चा की जनजाति की, अब हम करेंगे अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की। शेड्यूल सब अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद है अनुसूची, अर्थात लिस्टिंग करना, सूचीबद्ध करना। 1950 में जनजातियों को भारतीय संविधान के आधार पर सूचीबद्ध करने के बाद इनको शेड्यूल ट्राइब कहा गया, और इनके लिए इसलिए करा गया था संविधान में कि इनका अंग्रेजों के बाद इनके लिए सूचीबद्ध किया गया, अंग्रेजों ने भी करा तो उसके बाद भारत सरकार ने किया, इनका विकास किया जाए, इनके विकास के मार्ग प्रशस्त किया जिससे शैक्षणिक रूप से उन्नयन हो सके। 1950 में भारतीय समाज में 212 जनजातियों को सूचित कर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। नौकरशाही के निर्णय लेने की बाध्यता प्रशासन के सर्वोच्च होने के कारण अनेक जनजातियां उस वक्त सूचीबद्ध नहीं हो पाई। समाजशास्त्री विमल शाह ने ट्राइबल एजुकेशन में कहा है भारतीय संविधान ट्राइब शब्द की व्याख्या ही नहीं करता, और समस्त अधिकार राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति को सौंप दिए गए, और जिस समूह को ट्राइब माने उसे ही अनुसूचित जाति माना जाए। 212 की सूची तैयार हुई थी जो 1950 में लागू हुई है, और उसी के आधार पर जनजातियों के सदस्य धीरे धीरे पे विकसित होते हैं। राज्य सरकारें भेजती हैं, फिर केंद्र सरकार निर्णय लेती है, फिर राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाता है। अंतर देखिए जनजाति और अनुसूचित जनजाति। जनजाति संवैधानिक सूची में शामिल नहीं है, अनुसूचित जनजाति संवैधानिक सूची में शामिल है। जनजाति संवैधानिक लाभों से वंचित है क्योंकि सूचीबद्ध नहीं है, अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक लाभ पूरे मिलते हैं। शिक्षा का स्तर प्रतिशत काफी कम है जनजाति में, अनुसूचित जनजाति का शैक्षणिक स्तर प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रकृति के सानिध्य में जीवन यापन करते कौन, जनजाति, ये प्रकृति से अनुसूचित जनजाति का संपर्क कम हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर है अनुसूचित जनजाति, आर्थिक स्तर अपना उन्नत कर रही है। परंपरागत जीवन यापन करते हैं जनजाति, ये आधुनिकता का प्रयोग कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति में आधुनिकता का प्रवेश कर गई, आधुनिकता का प्रयोग कर, इसमें सामाजिक चेतना का अभाव है जनजातियों में। अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक चेतना व्यापक रूप से क्योंकि विकसित हो रही है, नातेदारी संबंध वहां है, इनमें नातेदारी संबंध यहां भी है, इसमें आज भी स्ट्रांगनेस है। क्षेत्र विशेष में संकेत है जनजाति,
बैगा चक में बैगा और कुछ आसपास जनजातियां। अनुसूचित जनजाति अध्ययन अध्यापन नौकरी व्यवसाय के लिए आज पूरे देश में फैल गए हैं, हर जगह फैलते जा रहे हैं। जनजाति समाज राजनीतिक लाभ नहीं उठा पाता, ये संवैधानिक राइट है इनके पास, तो इनके लिए आरक्षण है, इनके लिए विधानसभा लोकसभा पंचायती राज सब में स्थान निश्चित होने का, ये राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। अब हमारे यहाँ मेरी पुस्तक है BA सेकेंड ईयर की यूनिफाइड सोशियोलॉजी, उसमें भारत की राज्यवार अरुणाचल असम मेघालय मणिपुर सभी राज्यों की पूरी सूची दी है मैंने, और उसमें महिला पुरुष का जनसंख्या भी दी है, आपको उसमें मिल जाएगी। जनांकी परिचय में इसके डॉक्टर SS गुरिया ने तो इनको पिछड़े हुए हिंदू प्रयोग किया था, ये सारा उसमें डिटेल दिया हुआ है। अब जनजाति समुदाय की पहचान जो है गुरिया के हिसाब से, वो कहते हैं कि इन आधार पर करना चाहिए, इन्हें जनजाति को परिवारों का एक समूह मानना चाहिए, इनकी अपनी एक भाषा होती है, इनकी अपनी एक संस्कृति होती है, एक निश्चित भूभाग होता है, गोत्र और अंतर्विवाही विशिष्टता होती है, इनका स्वतंत्र सुरक्षात्मक संगठन होता है, एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन होता है और इनका एक नाम होता है। इनकी सर्वप्रथम जो गणना हुई थी 1931 में ब्रिटिश शासन ने की थी, फिर 1950 में भारत सरकार ने हमारा जब संविधान बना तो 212 जनजातियों की एक सूची बना के उनको अनुसूचित जनजाति आदेश लागू किया, और उसके उस वक्त 1991 में 1951 में इनकी आबादी जो थी 1,91,00,000 थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1961 में इनकी जो जनगणना हुई तो 2,25,00,000 हो गए, 1971 में इनकी जनगणना जो 5,16,19,000, उस वक्त असम को इसमें नहीं जोड़ा गया था। अब इसके बाद हम देख रहे हैं 2011 में जो जनगणना हुई थी 10,42,81,034, ये अलग अलग वो है। आज हमारे यहाँ जो जम्मू कश्मीर से लेके आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक 35 राज्यों में जनसंख्या इनकी फैली हुई है, राजवार है, कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये तो बहुत हाईली पॉपुलेटेड है। अब आयु संरचना भी इनके क्या है, आयु संरचना लिंगानुपात, इनका लिंगानुपात इनका बहुत अच्छा है, प्रति 1,000 पे पुरुषों पे 940 महिलाएं, इनका कमी नहीं है, कुछ जगह तो ज़्यादा भी है। तो अलग अलग इनके टेबल्स हैं, हमको नेट में भी मिलेंगी, जनगणना कार्यालय से मिलेंगी, जनसंख्या वृद्धि भी है, लेकिन जनजाति समाज जो है एक यूनिक समाज है, एक विशेष समाज है, इनका अपना धर्म होता है, इनकी अपनी संस्कृति होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, और ये बहुत ही सरल और सहज होते हैं, इनकी संस्कृति सभी को देखने लगे। लेकिन आज भी संवैधानिक प्रावधान के बाद भी जनजाति समाज बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है, जिन जनजाति समाज की जो समस्या है इनके बारे में हम कल आपके साथ चर्चा करेंगे, आज इतना ही।